नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूँ। हाय पूषण जी, हाय एवरीबॉडी, भगवान की बड़ी कृपा है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद। आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ दोस्तों, और एक उपयुक्त जीवन जीने का प्रयास जारी है। काफी हद तक इसमें कामयाब भी हूं। तो आज का जो विषय है थोड़ा सा हटके है, और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी नए भाई है यहाँ पर, उनके मन में हमेशा ये एक संदेह रहेगा कि किस चीज के पीछे हमने ज्यादा तेजी से दौड़ना चाहिए। मतलब दोस्तों, एक तरफ बोला जाता है कि अगर आपका पेट खाली हो तो आपको आध्यात्मिक विचार सूझते नहीं है। बात बिल्कुल सही है। जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था तो स्थिति कुछ ऐसी थी कि पीने के दौर में ढेर सारे खर्चे करके रखे थे, क्रेडिट कार्ड के ऊपर कर्जे करके रखे थे, काफी सारा एब्सेंटिज्म होने की वजह से हाथ में पैसे नहीं थे, और जो कुछ छोटे मोटे पैसे बीवी ने बचा के रखे थे वो क्रेडिट कार्ड के पैसे चुकते करने में चले गए थे। अंतिम अवस्था ऐसी थी कि जिस रिहैब सेंटर में भर्ती होना था उस रिहैब सेंटर का महीने का 800 रुपया भरने इतने भी जेब में पैसे नहीं बचे हुए थे। इसके पहले हजारों, लाखों नहीं तो हजारों रुपए तो जरूर खर्च हुए थे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट में, अलग अलग प्रकार के इलाजों में ढेर सारा पैसा खर्च हुआ था। इसलिए स्थिति ऐसी थी कि जेब भी खाली, करियर के ऐसे कुछ हालात थे कि एक नौकरी पतले धागे से बची हुई थी जो भी ज्यादा समय टिकेगी ऐसा लग नहीं रहा था। मेरा उस चक्कर में मेरे बीवी को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। तो एक तरफ बीवी के पास नौकरी नहीं, मेरी नौकरी ऐसी आधी अधूरी, हाथ में बहुत ही कम पैसे, और उसमें हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अंधेरी में जहां मैं रहता था मेरे भाई के साथ, और मेरा भाई फाइनेंशियली काफी स्टेबल था, तो उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन प्लान किया था, जिस प्रकार से उनके खर्चे हो रहे थे, एक तरफ हमको वो खर्चे हमारे से कंट्रीब्यूशन करना भी पॉसिबल नहीं था, और उनके ऊपर बोझ बनकर जीना ना उनको या ना मेरे को मंजूर था। ऐसे में हम लोगों ने, मैंने और मेरी पत्नी ने, एक साल का बेटा लेके हम लोग थाने में रहने को आए, और तभी मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि एक घर था जिसकी चार दीवारें थी लेकिन उसके अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, ना टेबल्स थे, ना कुर्सियां थी, ना सोफा थे, ना एसी था, ना रेफ्रिजरेटर था, ना बर्तन थे, ना कपाट थे, कुछ नहीं था दोस्तों। नए से संस्था ऐसी थी कि इस समय दूसरा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। वो टाइम पे सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण था कि मैं इतना कमा सकूं कि मेरे घर की रोजी रोटी चलती रहे, मैं इतना कमा सकूं कि मेरे घर वालों के ऊपर अच्छे कपड़े और एक अच्छा मकान मैं उनको प्रोवाइड कर सकूं, यानी बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी तरस रहे थे। ऐसी कुछ अवस्था हो चुकी थी दोस्तों। तो जैसे हमारे कार्यक्रम में बताया जाता है कि फिजिकल रिकवरी कम्स फर्स्ट, यानी शराब की बोतल को ढक्कन लगे बगैर शरीर सुदृढ़ नहीं होता है। भले मन कितना भी अच्छा हो, मन कितना भी पवित्र हो, मन में कितने भी अच्छे विचार हो, ये मन के विचार एक बीमार शरीर के अंदर नहीं रह सकते, नहीं टिक सकते।
इसलिए सबसे पहले जो है वो शरीर को सुदृढ़ होने की जरूरत होती है, और इसीलिए ढेर सारे हमारे नए भाई है वो कुछ समय के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके रहते हैं, जिसके वजह से उनके शरीर को एक नया डिसिप्लिन प्राप्त होता है। जबरदस्ती शराब से दूर रखा जाता है और उस वजह से धीरे धीरे भूख खुलने लगती है, और भूख जैसे खुल जाती है वैसे शरीर को एक पौष्टिक आहार मिलने लगता है, और इस पौष्टिक आहार के जरिए एक एक दिन के हिसाब से शरीर ठीक होने लगता है। अब जब शरीर ठीक होने लगता है तभी जाके उस शरीर में बसने वाला मन है वो मन को ठीक होने की संभावना निर्माण हो जाती है, और इसीलिए हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी कहते हैं कि सबसे पहले होता है वो फिजिकल रिहैबिलिटेशन। अब जब शारीरिक रूप से हम ठीक होने लगते हैं तब विचार आने लगता है यार अब पैसे का क्या, द नेक्स्ट थिंग वी वॉन्ट टू चेज इज फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन। जैसे मैंने भी सोबराइटी के एक दो तीन महीने के अंदर जहां मैं नौकरी कर रहा था वहां पर एक मजाक बन के रह गया था, सब लोग ताने मारते थे, मेरे हाथ से जिम्मेदारी के सभी काम निकाल के लिए गए थे, और लोगों का नजरिया मेरी तरफ देखने का बदल गया था। तो सिर्फ पैसे कमाना इम्पोर्टेंट नहीं था, पैसे भी कमाने थे और थोड़ी बहुत इज्जत भी कमानी थी। सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट था पैसे कमाना, तो मैं नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ पर नॉर्मली बताया जाता है कि जब भी नई नई सोबराइटी है वो टाइम पे तुम स्टेबल रहो, यानी कि घर बदली मत करो, गांव बदली मत करो, नौकरी बदली मत करो, ये सब चेंजेस तुम्हारे को सहन नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों मेरे सामने पर्याय ही नहीं था, जहां मैं नौकरी कर रहा था वहां नौकरी करते रहना असंभव हो चुका था। और जब मैं पहली दफा स्पॉन्सर से बात किया तो स्पॉन्सर ने मना कर दिया, उसने बोला कि जहां तूने रिश्ता खराब किया है वहां पर पहले रिश्ता सुधर और फिर बाहर निकल। लेकिन वहां पर एक समय आ गया दो महीने के अंदर कि मैं हमेशा मेरे स्पॉन्सर को बोलता था कि नहीं मैं यहां पर नहीं टिक सकूंगा, नहीं मेरे को यहां पर कोई इज्जत नहीं बची है। मैं एक मैनेजर की हैसियत से वहां पर था लेकिन वहां पर इज्जत एक स्टाफ की भी नहीं बची हुई थी। तो धीरे धीरे मेरे स्पॉन्सर को ये बात समझ में आ गई कि यहां पर रह के इसकी सेरेनिटी बढ़ने के बजाय भंग होने की ज्यादा संभावना है। तो उसने मुझे बोला ठीक है आप दूसरी नौकरी ढूंढो। तो मैंने दूसरी नौकरी ढूंढी और उसमें सडनली जो मैं कमा रहा था उसे लगभग 3 गुना ज्यादा पगार मुझे मिलने लगा। सो जो नेक्स्ट जो रिकवरी होती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद वो होती है फाइनेंशियल रिकवरी, क्योंकि अब सेहत ठीक है तो काम पे जाना आना ठीक होने लगता है, काम पे ध्यान लगता है तो हाथ से काम अच्छा होता है, और जब काम अच्छा होने लगता है तो या तो प्रमोशन मिलता है या तो दूसरी नौकरी मिलती है, या अनएम्प्लॉयड है तो पहली नौकरी लगती है, लोग भरोसा रखने लगते हैं। सो तीसरा जो रिहैबिलिटेशन होता है ये होता है मेरा मेंटल रिहैबिलिटेशन, यानी कि मैं अपने आप को स्वीकार करने लगता हूं, मैं अपनी परिस्थिति को, अपनी अल्कोहलिज्म को स्वीकार करने लगता हूं, और धीरे 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 अपने इस नए स्टेटस के साथ जीना शुरू करने लगता हूं। यानी कि जो भी नुकसान हुआ है उसे स्वीकार करते हुए, जो भी हानि हुई है उसे स्वीकार करते हुए धीरे 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 मैं दोबारा सोबराइटी के कदम चलने लगता हूं, और जहां पर हम लोग कहते हैं कि एक मेंटल रिहैबिलिटेशन होने लगता है कि हाँ यार मैं गलत था, मैंने कई सारी गलतियां की, मेरे अंदर ढेर सारे डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर थे, मेरे अंदर बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी और इनके ऊपर इलाज करना मुझे जरूरी है अगर मुझ में प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज आना है। तो तीसरा जो जो हमारे अंदर जो चेंज आता है, रिहैबिलिटेशन होता है, वो मेंटल रिहैबिलिटेशन होता है।
फिर चौथा जो रिहैबिलिटेशन होता है वो सोशल रिहैबिलिटेशन होता है। जैसे मैं जरा सा ठीक दिखने लगता हूं, ठीक बर्ताव करने लगता हूं, समाज में उठ बैठ होने लगती है, जैसे मेरे आठवें और नौवें कदम लेकर मैं अमेंड्स करता हूं, घर वालों की अमेंड्स करता हूं, बाहर वालों की अमेंड्स करता हूं, जिनके कर्जे वर्जे लिए हैं उनके कर्जे वापस लौटाता हूं और समाज में दोबारा जिम्मेदारियां लेने लगता हूं, तो मेरा सोशल रिहैबिलिटेशन होने लगता है। अब अगर आपने देखा तो सबसे पहली मेरी जरूरत थी फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, जिसे हम लोग फिजिकल रिहैबिलिटेशन कह सकते हैं। तो एक जानवर जो होता है, आप अगर जंगल में देखा या अपने अगल बगल में भी देखो, तो एखादा कुत्ता हो या एखादा पंछी हो, तो वो क्या ढूंढते रहता है? वो रोज का खाद रोज ढूंढता है। बारिश वारिश के पहले एखादा छोटा सा अपना एक घर बना लेता है या कहीं अड़ोस पड़ोस में ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहां उसका मौसम से बचाव हो सके। और उसको तो कपड़े पहनने नहीं है, लेकिन जो उसका कुटुंब है उनकी सुरक्षितता जो है ये उसका प्राथमिक ड्यूटी होता है। तो मेरा भी जो एक आदमी नाम का जानवर होने के नाते मेरी भी सबसे पहली जरूरतें होती है ये शारीरिक जरूरतें होती है। यानी क्या मेरे को और मेरे ऊपर डिपेंडेंट जो लोग हैं इनको दो वक्त की रोटी, एक अच्छा सा घर, पहनने लायक कपड़े, इतने तो भी मैं दे सकता हूं, ये पहली जरूरत। फिर दूसरी जरूरत, क्या जिस शरीर में मैं रह रहा हूं उस शरीर के साथ में मैं कंफर्टेबल हूं? क्या मैंने जो कुछ भी हानि की है उसके साथ, अपने ही भूतकाल के साथ में मैं कंफर्टेबल हूं? तो वहां पर मेंटल रिहैबिलिटेशन। फिर सोशल रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, तो अब लोगों की नजर में क्या मैं दोबारा खड़ा हो पाया हूं? क्योंकि जो प्रतिष्ठा है ये समाज आपको देता है, आप खुद अपने आप को नहीं दे सकते। आप कितने पैसे वाले हो इसका अगर कोई तारीफ ही नहीं करे तो वो पैसे का मतलब क्या? अगर आप एक अच्छी सी गाड़ी घुमा नहीं सको तो लोगों को समझेगा कैसे कि भाई ये आदमी सक्सेसफुल है कि फेलियर है? अगर आपके घर में 48 इंच का या 50 इंच का या 70 इंच का टीवी नहीं हो तो लोगों को कैसे समझेगा कि इसकी आर्थिक स्थिति मेरे से ज्यादा बेहतर है? आप अगर बड़े घर में या बंगले में नहीं रहते हो तो आप चार लोगों के सामने अपनी इज्जत कैसे बढ़ा सकते हो? सो जो कुछ भी हमारी समाज की प्रथा है वो प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा हमारी भौतिकता के ऊपर से ही जज की जाती है। और इसीलिए हम जब मतलब पैदा होते ही जरा सी थोड़ी सी अक्कल आती है तभी से माँ बाप बताने लगते है कि पूषण तेरे नंबर हमेशा अव्वल आने चाहिए, तेरे को 90% के ऊपर ही मिलना चाहिए, तेरे को डॉक्टर या तो इंजीनियर ही बनना चाहिए, तेरे को प्रतिष्ठा मिलनी पड़ेगी, पैसा मिलना पड़ेगा, तभी तू एक मान्यवर समाज का नागरिक करके जान पहचान तेरी होगी। सो समाज जो हमें पहचानता है वो हमारे स्थान की वजह से, हमारे कपड़ों की वजह से, हमारे बाहरी लक्षणों की वजह से पहचानता है। इसीलिए जैसे मेरी बेसिक नेसेसिटीज पूरी होती है वैसे मुझे अब जरूरत पड़ने लगती है कि यार मेरी नजर में तो मैं खड़ा हो चुका हूं, लेकिन क्या लोगों की नजर में मैं खड़ा हो चुका हूं? तो लोगों की नजर में खड़ा होने के लिए अब मुझे दिखावा, यानी कि अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये सब चीजें जरूरी लगने लगती है। सो मेरी नीड्स जो है वो धीरे 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 बढ़ने लगती है। पहले जो सिर्फ दो वक्त की रोटी ये इतनी ही जरूरत थी, अब मुझे एसी कमरा, सोने के लिए एसी बेडरूम, ऑफिस के लिए एसी केबिन और सभी जो कंफर्ट है, मैं ट्रैवल करूंगा तो सिर्फ एरोप्लेन से ट्रैवल करूंगा और मैं मतलब किसी भी तरीके से जो समाज के सक्सेसफुल लोग जिस प्रकार से जाने जाते हैं वो सब मेथोडोलॉजी मैं अपनाने के पीछे लगता हूं, तो क्या गलत है उसमें?
क्या हमें स्कूलों में से भी बताया नहीं गया व्हाट इज एम्बिशन? हर बच्चे के नौवीं के या दसवीं के उम्र में ठास ठास के उसमें भरा जाता है कि भाई तेरी एम्बिशन क्या है, 5 साल के बाद में तू क्या बनना चाहता है। आप नए जॉब में भी ज्वाइन करते हो तो आपको यही सवाल पूछा जाता है कि 5 ईयर्स डाउन द रोड वेयर डू यू सी योर सेल्फ, क्या आप करते रहे होंगे, ये आप देख रहे हो। और लोग भी जितनी बड़ापन जितनी बड़ी बड़ी बातें हाकेंगे उतना ही उनका समझा जाता है कि भाई इसकी विजन बहुत क्लियर है, इसकी डेस्टिनी बहुत साफ सुथरी है, ये आदमी बहुत बड़ा इंसान बनेगा। बड़ा यानी क्या? तो समाज की नजर में बड़ा इंसान यानी पैसे वाला इंसान, प्रतिष्ठा पैसे से ही प्राप्त होती है। ये समझने वाले सभी दुनिया में बड़प्पन की सिंबल है कि भाई ये आदमी के पास कितनी गाड़ियां है, कितने घर है, कितने देशों में ये घूमता है, इसी के ऊपर इसके बड़प्पन का निर्णय लिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो बड़प्पन है, ये बड़प्पन के चक्कर में ही तो मैं शराबी बना था। मतलब अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो जब एक नौवीं दसवीं कक्षा में जो एक लड़का, जो एक शर्मीला सा लड़का था, जो 4 लोगों के सामने बात नहीं कर सकता था, जो मुंह छुपा के पीछे बैठता था, जो लड़कियों के साथ में बात नहीं कर सकता था, जिसे इंग्लिश नहीं बोलने का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, ये लड़के के मन में क्या ख्वाहिशें थी? वो टाइम पे ये लड़के ने थोड़ी सोचा था कि मैं आगे बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, मेरे पास 10 गाड़ी होगी, मेरे पास 50 लोग काम करते होंगे, कभी थोड़ी ये सब सोचा था। वो टाइम पे ये क्या सोचता था लड़का? ये लड़के को वो टाइम पे सिर्फ इतना ही चाहिए था कि मुझे कोई कम नहीं समझे, मैं 4 लोगों के जैसा दिखूं, जैसे 4 लोगों में तारीफ होती है वैसे मेरी भी तारीफ हो, मुझे भी एक्सेप्टेंस मिले, मुझे भी आपके टीम में आपके ग्रुप में शामिल किया जाए, मुझे भी अपनी एक पहचान हो, यही एक उम्मीद थी। लेकिन इतना भी पाने की समर्थता मुझ में नहीं थी और वो समर्थता मुझे शराब ने दी थी, अल्कोहल ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया, अल्कोहल ने मुझे वो लोगों के सामने एक बदला हुआ पर्सनालिटी दिखाने का अवसर दिया। यानी क्या? तो कॉन्फिडेंस शायद मेरे अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, नॉलेज, इंग्लिश, बात करने के तरीके, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, सिर्फ उन्हें बाहर लाने की क्षमता महाराजी जी भीड़ चेपली जात नहोती। सो ती वो जो है कि एक संकोच जो मन में है, वो संकोच मुझे पीछे रोक के रख रहा था। और ये संकोच निकालने के लिए शराब मुझे मदद करने लगी। शराब पीने के बाद में वो संकोच निकल जाता था और 4 लोगों के सामने मैं चाहूं वैसा बिहेव कर सकता था। अब जब आप चाहूं वैसे बिहेव करने लगो तो 4 लोग आपको तालियों से आपका स्वागत करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं, हाँ पूषण तू ही डांस कर, हाँ पूषण तू ही गाना गा, हाँ पूषण तू ही हमें जोक सुना, ये सब बातें होने लगती है और आप पार्टी की जान बन जाते हो। अब जो लड़का जो पहचान के लिए तड़प रहा था, जो आप लोगों के अंदर आने के लिए भीतर एक टीम में का एक सदस्य बनने के लिए तड़प रहा था, सडनली अगर उसी टीम का वो स्टार बन गया तो उसको और क्या चाहिए? उसको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए शराब जो एक मजा थी, वो मजा न रहते हुए वो मेरे स्वभाव की दवा बन गई। जब भी मुझे कमी लगे, जब भी मेरे कमतरता लगे, जब भी मेरे स्वभाव को डर सा लगे, तो शराब ने, शराब के साथ मिक्स करने के बाद में वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में हो रहा था। इसका मतलब ये कि मेरी जो भौतिक जरूरतें थी, वो भौतिक जरूरतें पूरा करने के लिए जो आध्यात्मिक बल कम पड़ रहा था, वो आध्यात्मिक बल मुझे शराब दे रही थी।
और इसीलिए जो मैं हमेशा कहता हूं कि अंतिम स्टेज जो थी मेरी पीने की, वो स्टेज में मैं शराब का भक्त बन चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड दैट मी एंड माय अल्कोहल कैन नॉट सॉल्व टुगेदर। ऐसी कोई भी समस्या दुनिया में नहीं है जो मैं शराब पीने के बाद में हल नहीं कर सकता। तो शराब के ऊपर मुझे बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा विश्वास था, बड़ा गहरा एक संबंध था, एक इंटीमेट रिलेशनशिप थी अल्कोहल के साथ में। और इसी वजह से जब बाकी रिश्ते दांव पे लग गए तो मेरा ये जो सात्विक रिश्ता था शराब के साथ में वो इतना प्योर था। हमेशा मैं कहता हूं कि जैसे मीरा जी श्री कृष्ण भगवान के प्यार में पागल हो गए थे, लोगों ने उसको बंद करके रखा, उसको पत्थर मारे, उसको गालियां दी, उसको घर में लॉक करके रखा, फिर भी वो कृष्ण का नाम जपने से बाद नहीं आई क्योंकि वो कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से खो गई थी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मेरी नौकरियां गई, मुझे लोगों ने गालियां दी, मुझे धमकियां दी, मुझे अकेला छोड़ा। सब कुछ करने के बावजूद मेरी शराब से मैं दूर नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी भक्ति थी, मेरी गहरी भक्ति थी वो शराब के ऊपर और उसके असर के ऊपर। शराब मेरे स्वभाव में मिक्स होने के बाद में जो होता है वो असर, वो मेरे लिए एक एक आध्यात्मिक अनुभूति से कम नहीं थी। और इसीलिए जो जब डॉक्टर कार्ल यंग हमें कहते हैं कि स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम, यानी जब ही सही अध्यात्म से हमारी पहचान होगी तभी ये बनावटी भगवान हमारी मन में से दूर हो जाएगा। तो ये जो बनावटी भगवान था, ये बनावटी भगवान ने हमें सभी भौतिक सुख लेने के लिए पॉसिबल किया था। यानी कि मैं जहां जाना चाहूं, जो करना चाहूं, जो मनमानी, जो सेल्फ विल रन रायट जिसको कहते हैं हम लोग, यानी जो दिल में आए वो कर दिखाने की एक हिम्मत कहो या एक एक स्फूर्ति कहो मुझे शराब दे रही थी। और जब शराब बंद हो गई दोस्तों तो मेरे में से वो एनर्जी निकाली गई, खालीपन सा आ गया, एक एम्प्टीनेस आ गया और सडनली मुझे ऐसे लगा कि जिंदगी की ये मुश्किलों का सामना करने के मैं काबिल नहीं हूं। मैं बेचारा कैसे ये सब कर्जों के डोंगर कैसे मैं पूरे कर पाऊंगा, ये बिगड़ी हुई करियर को कैसे संवार पाऊंगा, ये बिगड़े हुए संबंधों को कैसे मैं संवार पाऊंगा, मेरे घर में कभी गाड़ी आएगी, मेरे घर में कभी एसी लगेंगे, मेरा खुद का कभी घर होगा, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, मैं कैसे मुंह दिखाने लायक रहूंगा लोगों के बीच में, ऐसे कई सारे सवालों को लेकर मेरे मन में जो एक आध्यात्मिकता अभाव था, एक खालीपन था, उस खालीपन के साथ में एक पराजित होने की भावना भी जुड़ गई, यानी कि डिप्रेशन कपल्ड विथ फ्रस्ट्रेशन। एक तरफ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं इसका फ्रस्ट्रेशन, और अपने से कुछ नहीं होने वाला इस बात का डिप्रेशन, ये दोनों को लेकर मैं शून्य अवस्था में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। लेकिन फिर भी जब मैंने कहा, वैसे एक 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 करके चीजें वापस आने लगी, जैसे शरीर दोबारा सुदृढ़ हो गया, फिजिकल रिहैबिलिटेशन हो गया, जैसे मेंटल रिहैबिलिटेशन हो गया, जैसे फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन हो गया, जैसे सोशल रिहैबिलिटेशन हो गया, वैसे उस खोई हुई आशा को मेरे मन में दोबारा उसका अंकुर निर्माण हो गया और मुझे ऐसे लगने लगा यार अब जो है अब मुझे बहुत सारी चीजें कमानी है, अब मुझे ढेर सारी चीजें पानी है। मुझे एक घाई सी लगी थी, मुझे एक जल्द सी हो गई थी कि जो कुछ भी खोया हुआ है मुझे अभी झटपट वापिस चाहिए। और फिर मैं पैसे के पीछे पागलों जैसे दौड़ने लगा। मुझे याद है सोबराइटी के तीसरे साल में मैंने बिजनेस शुरू किया था और ऐसा नहीं था कि मेरे पास नौकरी अच्छी नहीं थी, मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी थी,
कंपनी ने मुझे गाड़ी दी थी, मेरे घर में एसी लग चुका था, अब टीवी भी आ गया था, फर्नीचर भी आ गया था, छुट्टियों पे भी जाना शुरू हो गया था, जेब में थोड़े बहुत पैसे अभी खेल रहे थे, तो सभी तरफ से सुकून तो था, लेकिन मुझे वो काफी नहीं लग रहा था। मैं चाहता था कि मैं खुद का धंधा करूं, मैं चाहता था कि जिस व्यक्ति के लिए काम करके मैं उसको करोड़पति बना सकता हूं, तो मैं अपने लिए काम करके खुद करोड़पति क्यों नहीं बन सकता। तो एक एम्बिशन मेरे मन में अब सडनली जो आया हुआ ये कॉन्फिडेंस था कि बगैर शराब के मैं रह सकता हूं, बगैर शराब के मैं काम कर सकता हूं, और मेरे हाथ से अच्छा काम हो सकता है, तो क्यों नहीं मैं पूरी तरह से इसको खींचू। और मैंने दोस्तों तीसरे साल में सोबरायटी के अपनी नौकरी छोड़ दी और बिजनेस की शुरुआत की। 5,000 रुपए का कैपिटल लेके मैंने इस, और जीरो अनुभव, मेरे साथ पुरखों ने कभी पीढ़ियों ने कभी बिजनेस नहीं किया था, तो 5,000 रुपए का कैपिटल लेके और थोड़ा बहुत सेल्समैनशिप का अनुभव लेके मैंने बिजनेस की शुरुआत की। आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं, जब मैं आज अपने आप को थोड़ा सा समझदार समझता हूं और पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि जितना समझदार मैं आज हूं, उतना समझदार अगर तब होता तो कभी धंधा नहीं करता। लेकिन वो टाइम पे एक बेफिक्र थी, वो टाइम पे एक जिद सी थी, वो टाइम पे बहुत सारा एंथुजियाज्म था, और ऐसे लग रहा था कि अब शराब में से बाहर निकल आया हूं तो मेरे साथ में कुछ गलत हो ही नहीं सकता, अब मैं आसमां को छूकर ही रहूंगा, हर वो जो सक्सेस की मात्रा है वो पाकर ही रहूंगा। और मैं टूट पड़ा दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि दिन में 11-11 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे मैं मेहनत करने लगा और पूरी तरह से अपने बिजनेस में व्यस्त हो गया। एक तरफ एक ही मीटिंग छूट गई, क्योंकि मैंने रिटेल का बिजनेस चालू किया था, तो रोज शाम को ही मेरा ग्राहकी होता था, और दूसरे कोई स्टाफ रखने इतने पैसे नहीं थे, तो मैं और मेरी पत्नी ही दोनों खड़े होते थे और रिटेल खुद ही करते थे। तो अब खुद रिटेल करते समय रात को 9-9, 9:30, 10 बजे तक हम लोग वहां पर बिजी रहते थे, कहां से 7:30 बजे की मीटिंग होगी, कहां से हम लोग मीटिंग को जा पाएंगे। 3-4 महीने हो गए और मैं मीटिंग को नहीं जा पा रहा था, और एक दिन एक सीनियर मेंबर मेरे यहां मुझे मिलने को आए और उन्होंने पूछा, पूछन कैसे चल रहा है? तो मैं बोला, भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। तो बोले, मीटिंग में नहीं आते हो आजकल? मैं बोला, देखो ना, अभी क्या करें, अभी ये बिजनेस शुरू किया है, रिटेल का बिजनेस है, और शाम का ही टाइम बिजी रहता हूं, तो मैं कैसे मीटिंग आ सकता हूं। तो उन्होंने कहा, देखते हैं कब तक तेरा ये नाटक चलता है। मैं बोला, यार मेरे ऑफिस में आके ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोलता है, नहीं, हम शराबी ऐसे है कि वी लैक कंसिस्टेंसी एंड इंटेंसिटी। मतलब बोले, सातत्य का अभाव है हमारे मन में और तीव्रता का अभाव होता है। आज तुम धंधा 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 करके 14-14 घंटे धंधा 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 करते रहोगे और 2 महीने के बाद में कंटाल जाओगे और फिर पूरी तरह से धंधा छोड़ दोगे और दूसरा कुछ करने लगोगे, यही हमारा ये है। तो ये तो मेरे हिसाब से तो तुम्हारा ये नाटक है, अब देखते कितने टाइम चलते। अरे मैं बोला, ऐसा मत बोलो यार। बोलते, देख तेरे को टिकाना है ना। बोला, हाँ। तो फिर तेरे को बैलेंस होना पड़ेगा। यानी क्या? तो बोले, देख तेरे जिंदगी में अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं होगी तो तेरी सैनिटी नहीं टिकेगी, तेरी सेरेनिटी नहीं टिकेगी, और सेरेनिटी और सैनिटी नहीं रहेगी तो वो बिजनेसमैन क्या बिजनेस करेगा। बात तो ठीक थी। तो बोले, देख कैसे भी करके तेरे को समय तो निकालना पड़ेगा, एक ही मीटिंग से तू बच के नहीं रह सकता, क्योंकि दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ योर स्पिरिचुअल कंडीशन। तू अगर सोचता है कि 3 साल की सोबरेटी में क्या अब तेरे को वापस दोबारा कभी भी समस्या नहीं आएगी, हाँ हो सकता है तू शराब नहीं पिएगा, लेकिन जिंदगी तू तहस नहस कर सकता है तेरे ग्रीड की वजह से, तेरे ऑब्सेसिव बिहेवियर की वजह से और तेरे कंपल्सिव आदतों की वजह से तू तेरी जिंदगी तहस नहस कर सकता है। तो अगर तूने अपने मन के ऊपर काबू रखना है तो तुझे ये मीटिंग से बच के नहीं चलेगा। अरे मैं बोला, लेकिन, बोले लेकिन लेकिन वो मैं नहीं जानता हूं यार, धंधा तेरा है, सॉल्यूशन तुझे निकालना है। उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया
कि एक दिन मैं मीटिंग जाऊंगा, दूसरे दिन मेरी बीवी एलनॉन की मीटिंग में जाएगी, और हम लोगों ने डिवीजन करके लिया कि हफ्ते में दो या तीन मीटिंग मैं करूंगा और दो या तीन मीटिंग वो करेगी, लेकिन हम दोनों को दोबारा मीटिंग में जाना जरूरी है। तो मैंने मीटिंग में जाना शुरू कर दिया, मीटिंग रेगुलर होने चालू कर दी और सब नॉर्मल होने लगा, बिजनेस भी मेरा ठीक से चल रहा था। थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा सा सक्सेस मिलने के बाद में मैंने कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया, उनके हाथ में डेलीगेट कर दिया, और फिर धीरे धीरे शाम का जो मीटिंग का समय है वो मैं अपने लिए फ्री रखने लगा, और वो समय जो है वो मैं वो एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड होने लगा। अब एम्प्लॉयज ने ज्यादा अच्छा काम करने जैसा करना चाहिए, मेरे जैसा काम करना चाहिए, इसके लिए मैं उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग, इंसेंटिव्स, कमीशंस वगैरह बांटने लगा, ताकि वो अपना समझ के करेंगे तो उनका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। इन शॉर्ट मैंने एक ग्रुप कॉन्शियस प्रोसेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और धीरे 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 मैंने अपने आप को अपने ही बिजनेस के बंधन में से मुक्त करना शुरू कर दिया। और फिर मुझे सडनली रियलाइज हो गया कि अरे यार, रिमोट कंट्रोल से मैं अगर एक दुकान चला सकता हूं तो मैं दो दुकान या तीन दुकान या दस दुकान भी चला सकता हूं। बस मेरे जैसे शराबी के दिमाग में आइडिया घुसने को और मैं चल पड़ने को दूसरा क्या चाहिए। तो मैं चल पड़ा, दो दुकान, तीन दुकान, चार दुकान, पांच दुकान, मैं दुकान के ऊपर दुकान खोलने लगा, और हर जगह पर स्टाफ लेने का, उसको ट्रेन करने का और उनको चलाने को दे देने का, और मैं सुपरवाइज करने का, और हर शाम को मैं फ्री रहने का। ये मॉडल मेरे को इतना समझ में आ गया, इतना मजा आ गया, इतना दिमाग में बैठ गया कि दोस्तों सोबराइटी के 10-15 साल के अंदर ही मैंने 50-55 दुकान ठोक डाले। अब दुकानें तो ठोक डाली, 300-350 लोगों का स्टाफ जमा कर लिया, धंधा बड़े पैमाने में होता है तो उसके साथ में टेंशन भी बड़े पैमाने आते हैं। एक दफा ऐसे ही मैं अपने दुकान में बैठा हुआ था और हमारे एक मित्र आए और उन्होंने बोला कि क्या पूछन, तुम्हारा क्या क्या तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारा सपना क्या है। तो मैंने बड़े फक्र के साथ बोला कि मैं भारत की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी बनाना चाहता हूं। तो बोले अच्छा क्यों। बोला क्यों मतलब, अरे मेरे में पॉसिबिलिटी है, मेरे में वो कैपेसिटी है, जिस प्रकार का मैं बिजनेस करता हूं उस प्रकार का बिजनेस करने वाले लोग बहुत कम है, तो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है, तो मैं चाहूं तो मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं इतने दुकान खोल सकता हूं वगैरह 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 मैं उसको बताने लगा। अब वो ठहरा ए मेंबर, ये सब चीजों में तो उसको दिलचस्पी थी नहीं। उसने मुझे बोला चल वो सब छोड़ दे पूछन, मुझे एक बात बता, तूने कभी देखा है क्या जो भी व्यक्ति पूरी तरह से एक ही चीज के पीछे भागता है, यानी बिजनेस 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 और बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, तूने कभी देखा है? उसकी बीवी किसी के साथ भाग जाती है, उसके बच्चे ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, और वो व्यक्ति का घर में ध्यान ही नहीं रहता है, उसको घर में प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए, बच्चों को संगोपन करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं रहता है, क्योंकि वो पूरी तरह से बिजनेस 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 करके ही पीछे पड़ा हुआ रहता है। बोले बिजनेस में तो कामयाब हो जाएगा और शायद तू भारत की नहीं दुनिया के सबसे बड़ी भी ज्वेलरी कंपनी बना लेगा, बट माय सिंपल क्वेश्चन इज विल यू बी हैप्पी। और मैं सचमुच सोच में पड़ गया कि क्या मैं खुश रहूंगा। बोले चल समझते हैं कि तेरा 80वां साल है और तूने ढेर सारा पैसा कमाया हुआ है और तू अकेला किधर तू भी किसी तू भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो पैसे का तेरे को क्या मतलब। एंड आई रियलाइज कि हाँ यार मैं क्या चेज कर रहा हूं। उसने बोला देख आनंद कुछ और है और पैसा कुछ और है। हाँ ये जरूर है कि पैसा और सभी भौतिक साधन जो है इसके वजह से आपकी जिंदगी कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन कंफर्टेबल जिंदगी और प्रसन्न चित्त ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बोले देख कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति के चार डायमेंशन होते हैं, जिंदगी के चार डायमेंशन होते हैं। सबसे पहला डायमेंशन
तू जैसे बोलता है वैसा हम लोग बोलते हैं कि कार्य या तेरा धंधा या तेरा बिजनेस। तो प्रोफेशनल लाइफ। दूसरा हम लोग कहते हैं तेरा घर या घर की जिम्मेदारियां, तो तेरा डोमेस्टिक लाइफ। तीसरा तेरा सोशल लाइफ यानी समाज में तू जो भी बनेगा, समाज की जिम्मेदारियां लेगा, समाज में कुछ ना कुछ करना चाहेगा वो। और चौथा तेरा आध्यात्मिक लाइफ यानी तेरा स्पिरिचुअल लाइफ। तो जो भी व्यक्ति किसी भी एक ही चीज के पीछे भागा तो वो चीज तो उसने संपन्न कर ली, लेकिन बाकी तीन खाने अगर खाली रह गए तो उस व्यक्ति के जीवन को संपूर्णता नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन को आनंद नहीं प्राप्त होता है। तो देख बोले कोई भी, अब उसने एक एग्जाम्पल दिया, हमारे कॉमन पहचान का एक व्यक्ति था जो टिपिकल जो हम लोग मराठी में बोलते ना घर कोमड़ा, वैसा व्यक्ति। यानी ऑफिस में से निकलने के बाद में घर में जाएगा, घर में ही किचन में कुछ ना कुछ करते रहेगा, बीवी को मदद करेगा खाना बनाने में, बर्तन साफ करने में, ये करने में, वह घर में ही लगा हुआ रहता है। ना समाज में घूमेगा, ना एए में घूमेगा, ना कोई जिम्मेदारी लेगा, ना कुछ सर्विस करेगा, कुछ नहीं, बाहर का कोई दुनिया ही नहीं उसके लिए, घर और मीटिंग बस इतना ही और जो भी काम होगा वो। तो बोलता है देख अगर ये व्यक्ति है जिसने पूरी तरह से घर में ही जिंदगी बिता दी तो क्या इसकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रगति हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतनी तो इतना उलझा हुआ है उसके घर में कि बाहर की कोई चीजें करने का उसको कुछ है ही नहीं। उसी प्रकार से ना उसको ए से लेना देना है, ना उसको समाज से लेना देना है, ना बाहरी किसी व्यक्ति से लेना, तो उसको सामाजिक सुख प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसको वो व्यावसायिक सुख प्राप्त होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जिंदगी भर जो चीज कर रहा है उसी में फंसा रहेगा, क्योंकि वो नौकरी सिर्फ वो चंद पैसे जो कमा रहा है उसके लिए कर रहा है, नौकरी करने का आनंद पाने के लिए नहीं। तो अगर एक किसी भी अंग के पीछे लग जाए, बोले तुम किसी सात्विक आदमी को देख, अगर कोई आध्यात्मिकता 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 इतना आध्यात्मिकता के पीछे घुस गया कि उसने भगवे कपड़े पहन लिए और संन्यास्त हो गया और बाहर चला गया, अरे लोग उसकी बहुत पूजा करेंगे, स्वामी ये स्वामी वो, स्वामी हमें मार्गदर्शन करो, सब बोलेंगे, लेकिन क्या उसकी बीवी उसके बच्चे उसके साथ खुश रहेंगे? क्या आर्थिक दृष्टि से उसको संपन्नता मिलेगी? क्या व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसको संपन्नता मिलेगी? तो एक चीज में जो भी पीछे भागेगा तो वो चीज तो उसे मिल जाएगी, लेकिन बाकी सब जो चीजें है वो उसके जीवन में अधूरी रह जाएगी। इसलिए उसने कहा कि दोस्त अगर तेरे जिंदगी में बैलेंस नहीं है तो तेरे जीवन में खुशी नहीं आ सकती है, मन की प्रसन्नता तेरे मन में कभी भी नहीं आ सकती है, एक चित्त शांति जो कहते हैं वो चित्त शांति कभी नहीं हो सकती है। सो जब भी तेरी चारों तरफ से अगर ग्रोथ होगी तो दैट ग्रोथ यू विल नॉट ओनली बी एबल टू सस्टेन, यानी वो जो ग्रोथ है वो ग्रोथ का फायदा भी ले सकेगा, ना उसका तेरे दिमाग में चर्बी होगी, ना तेरे उन्नति की किसी को तकलीफ होगी, और उल्टा तेरी जो भी प्रगति हुई है जो भी उन्नति हुई है उससे तेरे अगल बगल वाले लोगों का फायदा ही होगा, लोग तेरे साथ में काम करना चाहेंगे बिकॉज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, नॉट बिकॉज यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बट बिकॉज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। तेरी फैमिली तेरे साथ रहना चाहेंगी बिकॉज यू विल बी अ गुड हस्बैंड एंड अ गुड फादर एंड अ गुड सन। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन के मायने समझने के लिए। पर सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, मैं कौन सा टारगेट लेके चल रहा हूं, मैं कौन सा एम्बिशन के नाम पर मैं सिर्फ ग्रीड को छुपाया हुआ हूं। मेरी जो पैसे की न बुझने वाली प्यास है, मेरी जो प्रतिष्ठा की न बुझने वाली प्यास है, उसको मैंने एम्बिशन जैसा खूबसूरत नाम देके मैं उसके पीछे भाग रहा हूं, एंड जस्ट बिकॉज इट इज नॉट इलीगल आई एम रैशनलाइजिंग इट एंड जस्टिफाइंग इट। यानी कि
पैसे के पीछे भागना ये कोई गलत नहीं समझता है, पैसे के पीछे भागना ही सही समझने वाली 80% दुनिया होती है। इसीलिए जो पैसे के पीछे भागता है उसी के नाम का जप भी होता है, भले उसकी आध्यात्मिक कंडीशन कितनी भी हॉरिबल रहे। और इसी वजह से दोस्तों जब देखते हैं हम लोग क्या करोड़ों पति बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस में कुछ अपयश आता है तो जाके सीधा सुइसाइड कर देते हैं, या कुछ उनके घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो जाता है, करोड़पति बिजनेसमैन होता है और बुढ़ापे में बेटा बाप को घर से हकाल देता है, बिजनेस में से बाहर हकाल देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति जो है ये उनके बीच में नहीं हो पाई है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस किस प्रकार की आध्यात्मिकता की बात करता है? आध्यात्मिकता का मतलब हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यही समझते हैं कि क्या मेरा खुद के साथ रिश्ता अच्छा है, एम आई हैप्पी इन माई ओन बॉडी एंड इन माई ओन माइंड। क्या मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, जिस शरीर के अंदर वास्तव कर रही है, जिस मन के साथ जी रही है, क्या उसके साथ कंफर्टेबल है? क्या मैं किसी भी प्रकार से असमाधानी हूं? यार काश मेरी हाइट 4 इंच ज्यादा होती, काश मेरा रंग थोड़ा सा ज्यादा उजला होता, काश मेरे बाल ऐसे नहीं होते, काश मुझे वैसा होता, काश मेरे पास मैं टाटा के घर में पैदा हुआ होता, काश मैं बिरला की बहू बेटी के साथ में शादी किया होता। यानी ये जो है कि जो भी मेरी शरीर है, जो भी मेरा मन है, जो भी मेरी स्थिति है, क्या इसके साथ में मेरी आत्मा कंफर्टेबल है? एम आई एट पीस विथ माई सेल्फ? ये पहला सवाल है। फिर दूसरा सवाल ये है कि एम आई विथ एट पीस विथ ऑल अराउंड मी? जो मेरे अगल बगल वाले लोग हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स है, मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मचारी है, मेरे समाज के लोग है, मेरे अगल बगल में रहने वाले नेबर्स है, ये सब लोगों के साथ में क्या मेरा रिश्ता अच्छा है? क्या लोग हमेशा मुझे बुलाते हैं, मुझे मिलना चाहते, मेरे साथ वक्त बिताना चाहते, या मुझे टालते हैं, मुझे टोकते हैं, मुझे ताने देते हैं? अगर किसी भी प्रकार के निगेटिव रिएक्शन आती है तो इसका मतलब आई एम मैल एडजस्टेड टू फैमिली, आई एम मैल एडजस्टेड टू सोसाइटी, यानी मेरा समाज के साथ में रिकवरी अभी तक नहीं हुआ है, मेरा फैमिली के साथ रिकवरी अभी तक नहीं हुआ है। क्या मेरा भाई को देखने के बाद में मुझे प्रॉपर्टी का ख्याल आता है कि भाई के प्रेम के बारे में ख्याल आता है? क्या मुझे मेरी बहन दिखने के बाद में अब मेरे प्रॉपर्टी का ये भी हिस्सा मांगेगी? क्या ये विचार आता है कि कितने दिनों के बाद बहन मिली है, उसके हाथ उसके साथ बैठ के गप्पे मारूं, उसका ख्याल आता है? तो मेरे मन में क्या मेरा स्वार्थ प्रोमिनेंट है कि मेरा सात्विक मन जो है ये प्रोमिनेंट है? That determines whether my relationship with others is healthy or not. क्या मेरे संबंध औरों के साथ सुदृढ़ है? मैं लोगों को मिलने की हमेशा चाह रखता हूं, और मुझे मिलने की अगर लोग हमेशा चाह रखते हैं तो ये सुदृढ़ता मेरे में आ चुकी है। और फिर तीसरी जो है, क्या मेरा रिश्ता मेरे उच्च शक्ति के साथ में एट पीस है? एम आई एट पीस विथ माई हायर पावर? क्या मैं मेरे भगवान से नाराज हूं कि उसने वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवाया? यार वो मैं चाहता था ये होना चाहिए, मेरे बेटी का शादी इसके साथ होना चाहिए था, उसने नहीं किया, साला भाग गई मेरी बेटी इसके साथ भाग गई, मेरे बेटे को साला 10वीं में खाली 60% मार्क पड़े, यार ये भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हमेशा भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, जब भी मेरी अपॉर्चुनिटी आई थी तभी भगवान ने लॉकडाउन क्यों किया, वगैरह वगैरह वगैरह। एम आई रियली कंफर्टेबल विथ माई आइडिया ऑफ माई गॉड? मेरी जो उच्च शक्ति की संकल्पना है, क्या ये संकल्पना के साथ में मैं एट पीस हूं? क्या मेरे दोस्ती के संबंध है कि एक उधार देने वाले और उधार लेने वाले के संबंध है? मेरा प्यार भरा, श्रद्धा भरा और विश्वास भरा नाता मेरे उच्च शक्ति के साथ में है, या सिर्फ मांग 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 और दे 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 का रिश्ता है, झगड़े का और उधारी का और वसूली का रिश्ता है? तो ये डिटरमिन करता है वेदर आई एम कंफर्टेबल विथ माय
अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय हायर पावर। यानी कि दोस्तों, अगर मैं रोज सवेरे उठता हूं तो क्या मैं प्रसन्न चित्त के साथ उठता हूं? मेरे जो भी दैनिक एक्टिविटीज है, क्या वो एक्टिविटीज मैं बड़े उत्साह के साथ में कर सकता हूं? क्या जीवन के हर उस अंग में अभी भी मुझे उतना ही रस है? क्या मैं अपने इस जीवन दिन को किस प्रकार से सेलिब्रेट कर सकता हूं, किस प्रकार से एंजॉय कर सकता हूं, किस प्रकार से किसी और के बेनिफिट में इस्तेमाल कर सकता हूं, इसका विचार ज्यादा करता हूं? और मुझे क्या मिलेगा, मेरे को क्या प्राप्त होगा, मेरा डर, मेरे तबीयत का क्या, मेरे पैसे का क्या, ये डर को अपने मन में से दूर रख के एक विश्वास, एक श्रद्धा के साथ में अपना जीवन जी सकता हूं? क्या आने वाले हर अनुभव के लिए मैं तैयार हूं? सो दिस डिटरमिन्स माय स्पिरिचुअल कंडीशन। ये जो है ये मेरी आध्यात्मिकता को बनाए रखता है। सो दोस्तों, अगेन चिकन और एग सिचुएशन, पहले मुर्गी के पहले बैदा। तो पहले संपत्ति आएगी और फिर शांतता आएगी, या पहले शांतता आएगी और फिर संपत्ति आएगी? दोस्तों, एए में आपको हर प्रकार के अनुभव देखने को मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी दिखेंगे एए में जो आए और उनके पहले 6-8 महीने साल भर में ही बहुत सारी तरक्की हो गई, बहुत सारी आध्यात्मिक प्रगति हो गई, बहुत सारी आर्थिक प्रगति हो गई। लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिक प्रगति के लिए इनको ढेर सारे समय रुकना पड़ा। उनके मन में अभी भी चिड़चिड़ापन बहुत है, इनके मन में अभी भी बहुत सारे डर बहुत है। इनकी रिकवरी जो कहते हैं हम लोग, उनके जो विचार है, विचारों की मैच्योरिटी है, ये अभी तक हम चाहते हैं वैसी नहीं हो सकती है। ये आने के लिए शायद इनको वक्त लगेगा। और दूसरे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देंगे जो जिनके चेहरे पर सेरेनिटी दिखाई देती है, उनके बातों में आपको स्पिरिचुअलिटी महसूस होती है, उनके हर वार्म हग में आपको प्रेम नजर आएगा, लेकिन आर्थिकता में वो पीछे रह गए हैं, ना अभी तक खुद की साइकिल ले पाए हैं, ना घर की जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से एक सात्विक जीवन भी जी रहे हैं, खुशहाल जिंदगी जी रहे, लेकिन अभी तक उनको धन की जो मात्रा है वो जितनी चाहिए उतनी अभी तक नहीं मिली है। और उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि यार, इसके पास कुछ नहीं था, इसको पैसा मिल गया और मैंने इतने सारे श्रद्धा के साथ में सोबराइटी के 25 साल 30 साल डाल दिए, लेकिन मेरे घर में लक्ष्मी जी का क्यों वास नहीं है, ये हमेशा उसको लगता रहता है। देखो दोस्तों, मैं दोबारा इसी बात की तरफ लाना चाहता हूं कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्या आप में बिजनेस करने की क्षमता है? क्या आप में कोई खास विशेष ट्रेनिंग है? क्या आप किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे माहिर हो? तो आपके स्पेशलाइजेशन के वजह से आपका जो है फाइनेंशियल रिकवरी, ये बहुत ज्यादा जल्दी हो सकता है। बट फाइनेंशियल रिकवरी डज नॉट नेसेसरीली मीन स्पिरिचुअल रिकवरी। इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिकता में आप आगे बढ़ चुके हो। हाँ, ढेर सारी जगह पर ये दिखाई देता है कि एक दफा जिसकी आध्यात्मिक रिकवरी हो जाती है, उसके साथ ही साथ जितनी उसकी आवश्यकता है वो आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इतनी आर्थिक क्षमता उसमें जरूर प्राप्त होती है। मुझे कई दफा कई सारे ए मेंबर्स ने बताया, पूषण तू साले पागल है, अगर तू चाहता था तो महाराष्ट्र के हर गांव में अभी तक एक तेरी दुकान होती थी, अभी तक तेरी 500 करोड़ रुपए की कंपनी होती थी, तू साले तेरे में एम्बिशन ही नहीं है। ये सुनाने वाले ए मेंबर्स भी मुझे मिले हुए है। लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैंने एए के लिए दिया हुआ जो समय है, मैंने मेरे फैमिली के लिए दिया हुआ जो समय है, मैंने मेरे दुनिया भर घूमने और एंजॉय करने के लिए जो समय दिया हुआ है, और जो मैंने अपने व्यवसाय के लिए समय दिया हुआ है, ये सब का अगर संतुलन करके देखता हूं
तो एम आई लिविंग अ हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ टूडे, एंड माई आंसर इज डेफिनेटली येस। तो मैं ये कहूंगा कि मैं शायद सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी शायद नहीं बना पाया या नहीं कभी बना पाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दोस्तों मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूं कि मैं आई एम हैप्पी एंड पीसफुल टूडे। मैं अपने जीवन में जो कुछ भी अपने लिए रचा हुआ मैंने जीवन है, उस जीवन के साथ में कंफर्टेबल एट ईज एंड एट पीस हूं दोस्तों। और वही मेरे लिए ट्रू एम्बिशन है, जो हमारे 12वें कदम में BW टॉक्स अबाउट ट्रू एम्बिशन। और वो एम्बिशन वो यही शब्दों में कहते हैं कि जो एक डरी हुई पर्सनालिटी थी वो आज कॉन्फिडेंट है, जो एक खोया हुआ व्यक्ति हुआ करता था आज उसको दिशा दिखती है, जो एक जगह जगह पर एडवाइस पूछते घूमता था वो आज दूसरों को एडवाइस देने की कैपेबिलिटी उसमें आ चुकी है, जो पैसे के लिए हमेशा परेशान रहता था आज निश्चिंत है, जो रिश्तों के ऊपर हमेशा इनसिक्योर रहता था, सस्पिशियस रहता था, आज पूरा गहरा विश्वास और श्रद्धा है हर रिश्ते में है। यही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं तो और क्या है दोस्तों। सो फॉर मी मैं ये नहीं कहूंगा कि भौतिकता महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे पहले ही शेयरिंग के शुरुआत में मैंने कहा कि जहां पेट ही खाली हो तो वहां अध्यात्म की बातें अच्छी नहीं लगती है, बोलने के लिए या सुनने के लिए भी। तो जहां पेट भरने की जो जरूरत है वो तो पूरी करनी ही है, लेकिन फिर पेट भरने के बाद में अपचन हो इतना खाने की जरूरत नहीं है। जरूरतें पूरी होने के बाद में और की प्यास के पीछे भागना ये स्टुपिडिटी है। और वही मेरे जीवन में अस्वस्थता और एक बेचैनी से बनकर रहने वाली है। और कितना भी मैंने पाया तो हमेशा एक अनकंफर्टेबल और एक अनफुलफिल्ड लाइफ जीने की फीलिंग रखने वाला है दोस्तों। दैट इज व्हाई हम लोग जो कहते हैं कि हमारा जो रियल ऑब्जेक्टिव, द रियल रिवॉर्ड फॉर सोबराइटी इज सोबराइटी इटसेल्फ। सोबराइटी मिलने के बाद आपको नौकरी प्राप्त होगी, बीवी वापस आएगी, घर मिलेगा, बंगला होगा, लोन्स मिलेंगे, नहीं बकवास है सब। सोबराइटी मिलने के बाद में सबसे अच्छी चीज जो होगी वो आपको मन की प्रसन्नता मिलेगी, एंड आई थिंक दैट इज इनफ टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। आज मुझे दोस्तों बोलने का मौका दिया, आप सब लोगों ने सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।